हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉपरल वेल्थ मंत्रा में। दोस्तों, बिजनेस सीरीज हमारी चल रही है जिसमें पहली वीडियो लाई थी हमने होम स्टे के ऊपर, और जो दूसरी वीडियो है आज वो ऐसी फार्मिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ जो बहुत फेमस हो रही है, खासकर उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, इन जगह पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ मशरूम फार्मिंग के बारे में। पहले मशरूम फार्मिंग कम लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है लोग परंपरागत खेती को छोड़कर मशरूम फार्मिंग अपना रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये बहुत कम लागत की फार्मिंग है। इस पर बहुत कम पैसा लगाना होता है और आप कमाएंगे बहुत ज़्यादा। अब वो होता कैसे है, देखिए 30 रुपये या 40 रुपये की आपकी लागत होगी और आप 100-150 रुपये तक कमा सकते हो, और इवन आप 1000 रुपये भी कमा सकते हो। अब आप सोचोगे 1000 रुपये कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। देखो दोस्तों, मशरूम 2000 टाइप्स के पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें 200 टाइप के मशरूम एडिबल होते हैं, लेकिन 20-25% ही मशरूम की हम लोग खेती करते हैं, क्योंकि बाकी जंगली होते हैं। और इसमें जो सबसे फेमस है वो है ओएस्टर है, बटन मशरूम है, मिल्की मशरूम है, और जो आपकी थाली में सस्ते हैं वो होते हैं बटन मशरूम। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पज़ से देखा जाए तो सबसे फेमस है ओएस्टर मशरूम, क्योंकि उनको सुखाया जाता है, जो लगभग आप विश्वास नहीं करोगे 1000 रुपये किलो तक बिकते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं होता है। आज आपके पास जो ख़रीदार आते हैं वो आपके ही पास आके आपसे मशरूम ले जाएंगे और आपका तुरंत बिकेगा। मशरूम एक फंगस होता है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ। तो मशरूम ऐसे ही नहीं उगता कि खेतों में डाल दिया और उग जाए, उसको उगाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो मैं बताता हूँ आपको। ओएस्टर मशरूम हम लोग एक रूम में उगा सकते हैं आराम से, इवन आप मान के चल लो तो 30x30 के रूम में आप लगभग 2000 पॉलीथीन में मशरूम उगा सकते हो। मशरूम जो फार्मिंग होती है वो होती है पॉलीथीन्स के अंदर। इनके जो बीज होते हैं, सबसे पहले इनके जो बीज होते हैं उनको हम भूसे के साथ मिलाते हैं, मतलब गेहूँ का भूसा हुआ या कोई भूसा जो भी इसमें काम आ सकता है उसके साथ मिलाते हैं। भूसा जो है वो पानी में रखना है, और पानी में उसको इतना रखना है कि उसके बाद उसको सुखाना है और उसमें 50-60% लगभग आर्द्रता रहे, ताकि उसमें वो मॉइस्चर बना रहे पॉलीथीन्स के अंदर भी। तो उसमें क्या करना है, उन बीजों को मिलाना है, उसके बाद उनको पॉलीथीन में रखना है और इंक्यूबेशन के लिए रख देना है। धीरे धीरे 17-18 दिन के बाद उसमें क्या होगा, माइसिलिंग होगी और आपकी जो पॉलीथीन होगी वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी जगह जो होगी वो माइसिलिंग से भर जाएगी और बिल्कुल वाइट तरीके का आपको दिखेगा। और उसके 3-4 या 4-5 दिन बाद आपको उसमें मशरूम धीरे धीरे फर्स्ट जो उसकी स्टार्टिंग ग्रोइंग होती है वो आपको नज़र आ जाएगी, और धीरे धीरे आप उसमें मशरूम उगा सकते हो। एक जो पॉलीथीन होगी मशरूम की, उसमें से आप लगभग 1 किलो या थोड़ा सा ज़्यादा आप मशरूम निकाल सकते हो। और इस वक्त जो मशरूम की मार्केट वैल्यू है लगभग 100-150 रुपये है, कहीं वो 100 रुपये है, कहीं वो 150 रुपये है। तो आप ये मान के चलो आप एक छोटे से कमरे में भी करीबन 1000 किलो या 2000 किलो में मशरूम उगाए तो आप बहुत अच्छा कमा लोगे, क्योंकि इसकी जो ग्रोइंग एज है वो बहुत कम है। आप 30-40 दिन में आपने मशरूम बेच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आती है, मशरूम एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत सेंसिटिव, आपको इसको बहुत ही सही तरीके से रखना होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जिस कमरे में रख रहे हो, पहले तो उसमें डायरेक्ट बारिश नहीं आनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, लगभग 28-30 के करीबन या और भी कम, तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में वहाँ पे साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखना है, कोई गंदगी नहीं करनी है, अगर कोई बाहर से आ रहा है या गंदे चप्पल नहीं लाने, या वहाँ पर अगर कोई ज़्यादा छूए ना, कई लोग वीडियो बनाने भी आ जाते हैं तो मशरूम को ज़्यादा कोई छूए ना, क्योंकि छूने से बहुत ज़्यादा उसमें फैल सकता है कि वो ख़राब हो सकता है। और मशरूम के जो थैले रखते हैं वो अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 1-1 फुट के करीबन दूरी पर रखते हैं, क्योंकि जब उसमें मशरूम ग्रो होता है तो वो बाहर निकलते हैं, तो वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी दूरी में रखना होता है। मशरूम को उगाने के लिए बाँस के जो शेड है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो सस्ता होता है। देखिए और भी हैं, आप स्टील का भी लगा सकते हो, लोहे का भी लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है वो बहुत महंगा है। तो जब हमारा सस्ते में काम हो रहा है, हम इतना महंगा सेट क्यों लगाएं मशरूम का। तो बांस सबसे अच्छा है, बांस पानी से ख़राब नहीं होता है। आप लोग सोचोगे कि पानी उसमें आता रहेगा, मॉइस्चर आता रहेगा तो ख़राब होगा, ऐसा नहीं है, पानी से वो ख़राब नहीं होगा। तो आप बांस के डंडे से सेट बना सकते हो, और आप दो टाइप की उसमें फार्मिंग कर सकते हो, आप जब उसमें लेयरिंग करोगे या तो लेयर वाइज करो या एक साथ बीजों को मिला दो। लेयर वाइज कैसे होगा, पहले आपने भूसा डाला, उसके ऊपर लेयर डाली, फिर भूसा डाला, फिर लेयर डाली। लेकिन कमर्शियल पर्पज़ में ज़्यादातर लोग जो पॉलीथीन में उगाते हैं मशरूम को, वो लेयर फार्मिंग नहीं करते, वो एक साथ मिला देते हैं भूसे और
बीज को, क्योंकि उससे ज़्यादा ग्रो हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रो होने लग जाएगा वो वहाँ से क्या होता है पॉलीथीन भी निकाल देते हैं। तो पहली जब ग्रो होगा मशरूम निकाला, फिर उसके बाद पॉलीथीन निकाली, फिर और ग्रो होंगे तो लगभग एक किलो के करीबन आपका एक पॉलीथीन से मशरूम निकल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर का ख्याल रखना। ओइस्टर मशरूम अगर आप इसको ड्राई करते हो तो लगभग 1000 रुपये किलो मार्केट में आजकल बिक रहा है। इवन आप अमेजोन में भी देख सकते हो, मार्केट में आराम से मिल जाएगा आपको, अमेजोन में मिल सकता है, फ्लिपकार्ट मिल सकता है, बेच रहे हैं। और जहाँ से मैं हूँ देहरादून से, यहाँ पे भी कई लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे एक फेमस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिव्या रावत है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मशरूम ऑफ उत्तराखंड, तो बहुत आगे बढ़ चुकी है वो इसमें। इवन मैंने ट्रेनिंग भी उन्हीं से करी थी, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और स्पॉन की ट्रेनिंग भी की थी मैंने, और मशरूम फार्मिंग भी सीखी थी, अच्छे से सिखाई थी उन्होंने। तो वहाँ से आप कर सकते हो, या और भी कई जगह हैं जहाँ पे आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, आप गूगल में देख सकते हो। तो सबसे मेन बात यह है कि मशरूम आजकल आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और ये सिर्फ किसान लोग ही नहीं कर रहे हैं इसको, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन मैंने इंजीनियर्स देखे हैं, आईटी इंजीनियर्स या फिर कोई भी आईआईटी इंजीनियर्स देखे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी जॉब छोड़ के मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन सच बात तो ये है कि दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल मैदान में कूद जाओ मेरी वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के, क्योंकि मशरूम फार्मिंग बहुत वीडियो है। पहले आप उसको सीखो, ट्रेनिंग लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में आप मशरूम उगाना सीख जाओगे। पहले उसको ग्रो करो, आप देखो कि 40 से 45 दिन में मशरूम कैसे ग्रो होता है। अगर आपको लगता है कि मशरूम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है तो आप कमर्शियली उसको कर सकते हो। उसके बाद आप मशरूम को सुखा भी सकते हो, उसके बाद उसकी चटनी बना सकते हो, उसका अचार बना सकते हो, वो भी मार्केट में आप बेच सकते हो, क्योंकि इसमें इसका जो अचार होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और महंगा होता है। तो ये बात मैंने आपको मशरूम फार्मिंग के बारे में बताई। कुछ भी इसमें कमेंट करने से आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है, बल्कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो सही में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और मशरूम फार्मिंग मैंने उसमें खूब ट्रेनिंग ली है, मैं उसको शुरू नहीं कर पाया किसी कारणों से, क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था उस समय। अब ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी सभी काम करे, लेकिन मशरूम फार्मिंग मैंने जितना देखा, आप मोथरवाला में देहरादून में आप जाके वहाँ पे उनकी लैब भी देख सकते हो, और किस तरीके से वो मशरूम में काम कर रहे हैं, आप खुद को लगेगा आपको कि काफ़ी कमा रहे हैं और काफ़ी काम है उनके पास। इवन यहाँ पे जैसे ऊर्जा फार्म है देहरादून से थोड़ी दूर पे, बहुत सारे फार्मिंग में उतर चुके हैं मशरूम की। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, उन लोगों से ट्रेनिंग ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपकी इसमें कमाई कैसी है, और ज़रूरी जो बातें हैं वो आप इनसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो थी मशरूम फार्मिंग के ऊपर है, और जो किसान भाई हैं हमारे जिनके पास गांव में बहुत ज़मीन है, वो तो अगर एक एक बीघा दो दो बीघा भी ज़मीन है तो बहुत अच्छी इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारे बैग बना सकते हैं अपने साथ, 3-4 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आप खुद भी कमाओगे। इवन मैं तो कह रहा हूँ नौकरी से भी अच्छी कमाई है। अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो और 8-8, 10-10 घंटे वहाँ रह रहे हो, तो उससे अच्छा है आप मशरूम फार्मिंग करो, आप इसे 10 गुना ज़्यादा कमाओगे। एक बार करके देखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।